खामोशियां। ये जो नजारा देख रहे हैं ये दोस्तों हमारा प्ले ग्राउंड है और मैं काम के लिए निकल रहा हूँ दोस्तों, और ये भाई साहब भेड़ बकरियां चरा रहे हैं दोस्तों, तो इनको चराने देते हैं और चलते अपने काम की ओर, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, वो भी दिल से। गाड़ी लेके चलिए। अरे यार मैं तो इनके बीच में फंस गया हूँ और मुझे कोई इधर से धक्का मार के जा रही है, कोई उधर से धक्का मार के जा रही है, और मैं निकलूंगा कैसे? सर्दी का समय हो और लंच का टाइम, तो दोस्तों ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, गाड़ी को करिए पार्क और भाई कुछ खाएंगे तभी तो काम कर पाएंगे ना। तो इसलिए दोस्तों हम भी चलते हैं दोस्तों अपना लंच करने, वो भी दिल से। तो भाई आज हैं हम मयूर विहार फेस थ्री में और सामने है साउथ इंडियन मसाला डोसा, और ये सिस्टर है जो जिनका घर भी है और वहीं से ऑपरेट करती है दोस्तों। और प्रेजेंटेशन देखिए दोस्तों, कोविड के कारण बदल गई है दोस्तों, थर्माकोल की प्लेट है, डोना है, उसमें सांभर है और बड़ा ही लाजवाब है दोस्तों। और सिर्फ मात्र 30 रुपये में सांभर वड़ा इतना स्वादिष्ट खाने को मिले तो भैया कौन नहीं खाना चाहेगा, तो हम तो खा रहे हैं दोस्तों, और आप भी हो सके तो मंगा के खाइए ना आज ही, वो भी दिल से। तो दोस्तों आज का लंच सांभर वड़ा के साथ हम कर रहे हैं, और आप भी कीजिए हमारे साथ, वो भी दिल से। मूवी का चक्कर छोड़ो, और ये क्या बना रहे हो आप यार? मैं बना रही हूँ ये हाफ फ्राई। तो मुझे तो ना एक्चुअली मुझे चाहिए आज पनीर, पनीर खाना है मुझे, ठीक है? अभी ये खिलाओ बच्चों को, ये तो इवनिंग टी स्नैक्स हैं बच्चों के लिए। ओके, तो ओके। हम बनाएंगे अपने लिए खाना अभी थोड़ी देर में, तो ये है चाय के साथ, कॉफी के साथ। आपको खाना है तो ठीक है, नहीं खाना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बनाइए वो भी दिल से और खिलाइए दिल से, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये पूरा सनी साइड अप की तरह ब्रेड को बीच में से कट किया और उसमें एक एग बीच में तोड़ा है, और उसके ऊपर रखी एक पूरी स्लाइस चीज़ की, और देखिए उसको कवर कर दिया, और थोड़ी सी देर स्टीम में रखने पर चीज़ हो जाएगी मेल्ट, और बहुत कुरकुरे हो गए हैं, इनको काफ़ी समय रखना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल सिम पर। और ये देखिए चीज़, क्योंकि मैंने अंदर पूरा स्लाइस रखा था, देखते हैं कितना हो गया, ये पूरा मेल्ट हो गया, दिख रहा? अच्छा, वाह भाई वाह। तो ये है बच्चों का आज का स्नैक्स, इवनिंग टाइम टी टाइम, टी टाइम, बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब और गजब। गजब तो हमेशा होता है क्योंकि आप बना रहे हैं, वो भी दिल से। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर में, जरूर ट्राई कीजिए। तो गाइस मिस राजपूत है किचन में, और ये प्याज हो रहे ब्राउन, प्याज के साथ साथ मैंने हरा धनिया डाला है काफी सारा, और उनको फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले सब्जी में मैं डालती हूँ, ये टमाटर प्यूरी है क्योंकि अभी समय आ रहे हैं देसी टमाटर, और बहुत ही अच्छे थिक ग्रेवी होती है। और ये हरी मिर्च और मसाला देखिए, और ये साथ के साथ मैं बना रही हूँ रायता भी, बिल्कुल वाह वाह लाजवाब जी। और अभी इसमें डाले मसाले, और ये मैंने शाही पनीर का मसाला मिक्स किया है हाफ लीटर दूध में, और ये इसमें मिक्स कर दिया है। पानी की जगह आपको दूध यूज़ करना है, और उसमें डालना है शाही पनीर का मसाला, और ये है हमारी पनीर जो छोटे क्यूब्स में मैंने काटी है। आधी पनीर शीरो खा चुका है, और जब तक पनीर बनती रहेगी मेरे पास ही खड़ा है,
बहुत खूब जी जी। और ये देखिए क्या रंगत आ गई जनाब। हमेशा उसके लिए अलग से आती है, लेकिन फिर भी जब तक खाना बनेगा, ये बन गई हमारी। लवली यार। तो देखिए ग्रेवी देखिए कितनी ठीक से बनी है ना बिल्कुल। और ये गर्मा गर्म देसी और आज घी की रोटियां और ये रायता, खीरे का रायता है ये। वाह क्या बात है। और शाही पनीर जी मौसम है, खीरे का बनाइए, खीरे का रायता और खीरा कद्दूकस करके डालना आपको, और मसाले अपनी पसंद के और वो भी। तो दोस्तों कुल मिला के जनाब की शाही थाली हो गई तैयार। तो आप भी आइए और कीजिए डिनर हमारे साथ दिल से। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो दोस्तों ऊपर वाले से दुआ करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी हमारी तरह एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली में, अपने नियर एंड डियर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वो भी दिल से।